नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, मैं हूं जय शुक्ला। सवाल, यूपी के रण का सिकंदर कौन होगा? चंद घंटे और आपको भी पता चल जाएगा। लेकिन इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं लालू प्रसाद यादव के दामाद की, जो कि बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा सीट से ताल ठोक रहे हैं। पिछले वीडियो में भी हमने आपको राहुल यादव के बारे में बताया था और ये अपडेट दिया था कि राहुल यादव जो है सिकंदराबाद से बीजेपी की प्रत्याशी लक्ष्मी राज से पीछे चल रहे हैं। लेकिन इस वक्त की बड़ी खबर देखिए, बुलंदशहर के सिकंदराबाद विधानसभा से निकलकर सामने आ रही है और खबर के मुताबिक लालू प्रसाद यादव के जो दामाद हैं राहुल यादव, वो बड़ी बढ़त बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं और लक्ष्मी राज को उन्होंने लगभग 3000 से ज्यादा वोटों से पीछे छोड़ दिया है। अभी तक के आंकड़ों की अगर हम बात करें तो यह सिकंदराबाद का आंकड़ा आप समझ लीजिए। यहां पर लालू प्रसाद यादव के दामाद की बात हो रही है, राहुल यादव जो है सपा की टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं सिकंदराबाद विधानसभा सीट से। अभी तक के जो आंकड़े हैं उसके अनुसार लक्ष्मी राज जो कि बीजेपी से प्रत्याशी हैं, इन्हें 10,373 मत प्राप्त हुए हैं। तो अगर बात करें राहुल यादव की, 13,844। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अभी से ठीक थोड़ी देर पहले राहुल यादव जो है वो लक्ष्मी राज से पीछे चल रहे थे। अगर हमने अपडेट आपको यही सिकंदराबाद विधानसभा सीट से दें तो यहां पर जो है बहुजन समाज पार्टी को, यानी कि यहां से जो उम्मीदवार है बहुजन समाज पार्टी के मानव वीर सिंह, इन्हें जो है 3,125 मत प्राप्त हुए हैं। तो वही कांग्रेस के जो सलीम अख्तर खान है सिकंदराबाद विधानसभा सीट से, इन्हें मिले हैं 434 वोट। तो कम से कम देखिए, यूपी में जो है ये अजीब स्थिति हो गई है कांग्रेस के लिए, क्योंकि लगातार जिस प्रकार से कांग्रेस का पूरा कुनबा यूपी चुनाव को जीतने के लिए लगा हुआ था, चाहे वो प्रियंका गांधी हो चाहे राहुल गांधी खुद हो, ये सब कुछ करने के बाद जो यूपी में तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो कांग्रेस के न सिर्फ निगेटिव निकलकर आ रही है, न सिर्फ कांग्रेस को उदास करने वाली खबरें, बल्कि यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस जो है यहां पर पूरी तरीके से बीट हुई है। लेकिन बात बुलंदशहर के विधानसभा सीट की, सिकंदराबाद विधानसभा सीट की हम कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव भी आज इस नतीजे को देख रहे होंगे, सिकंदराबाद विधानसभा सीट पर उनकी नजर होगी, क्योंकि वहां से उनके दामाद जो है राहुल यादव खड़े हैं। राहुल यादव जो है अभी तक पीछे चल रहे थे बीजेपी से, पर अब बीजेपी के कैंडिडेट लक्ष्मी राज को उन्होंने पछाड़ दिया है, 3000 से ज्यादा वोटों की मार्जिन हो गई है। अब देखिए यूपी में होता क्या है, क्योंकि अभी तक के जो आंकड़े बता रहे हैं वो बता रहे हैं कि यूपी में फिर से बीजेपी की सरकार बनने जा रही है, योगी आदित्यनाथ आ रहे हैं, अखिलेश यादव की साइकिल नहीं चली। लेकिन अभी देखिए, जब तक पूरी तरीके से आश्वस्त नहीं हो जाते, जब तक पूरी तरीके से औपचारिक घोषणा नहीं हो जाती है, तब तक अभी तक यही कहा जा सकता है कि बीजेपी जो है यूपी में आगे है। लेकिन सवाल यह है कि आखिर कांग्रेस का क्या होगा, सवाल यह है कि अब सिकंदराबाद सीट पर लालू प्रसाद यादव के दामाद आगे निकल चुके हैं, तो यहां बीजेपी का क्या होगा? आप बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, इसके अलावा ट्विटर पर जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।